हम खेल रहे हैं पोकेमोन द लास्ट फायर एड वर्जन दोस्तों। तो हम दोस्तों पिछले एपिसोड में मिले थे एश कचम से और हमने टीम मैग्मा टीम एक्वा को भी चैलेंज किया था फॉरेस्ट के अंदर, और उसके बाद मिले हम मे और ब्रॉक से मिले थे दोस्तों। तो ब्रॉक है पेट्रोल सिटी का जिम लीडर जिसको हम चैलेंज करने वाले हैं अपना फर्स्ट बैच के दोस्तों। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए आपको आज का ये पार्ट कैसा लगा। साथ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिए, जब भी कोई नई गेम आती है सबसे पहले इंस्टाग्राम पे ही पोस्ट होती है दोस्तों। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जाइए भी चेक कीजिए। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों पिछले एपिसोड में मैंने पूछा था ये कौन सा पोकेमोन है दोस्तों, तो पोकेमोन की पिक्चर आपको मैं बताता हूँ दोस्तों। तो ये है सुडोवूडो दोस्तों। सुडोवूडो का सही आंसर दिया है सबसे पहले एपिस वर्ल्ड ने, उसके पोकेमोन गेमर मून ने दिया है, फिर जतिन भाई ने दिया है, उसके बाद फिर दिया है डीएक्स भाई ने। यार आप सबका आंसर राइट है, करेक्ट है बिल्कुल सुडोवूडो। सब कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स की बहुत प्रॉब्लम आ रही थी सुडोवूडो की, ऐसे मुश्किल स्पेलिंग होते हैं सुडोवूडो के, वैसे कोई बात नहीं। और दोस्तों अब मैं ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ दोस्तों, अगर आप लकी विनर हुए तो आपका नाम अगली वीडियो में शो करूंगा। तो पिक्चर आपको शो होने वाली है, जल्दी फटाफट कमेंट कीजिए। तो दोस्तों अगर आपने कमेंट कर दिया है बहुत अच्छी बात है, अगर आप लकी हुए तो मैं आपका नाम शो करूंगा। आप चलते हैं ब्रॉक के पास और ब्रॉक से पूछते हैं कि वो हमें हम उसे चैलेंज कर सकते हैं। हाय आई एम न्यूचिन, सो यू नो द रूल्स, यू नीड थ्री पोकेमोन। अच्छा ये सब वो बता रहे हैं कि हमें कैसे इनके पोकेमोन को बीट करना है। ओह मैन, दोस्तों मैं इनसे लड़कर आ रहा हूं, ब्रॉक के पास आपको मिलूंगा। दोस्तों ब्रॉक के पास पहुंच चुके हैं, ब्रॉक से हम बात कर लेते हैं। ये वैसे बैटल टफ होने वाला है चार्मिलियन, और हमारे लिए भी चार्मिलियन को एडवांटेज कम है। अरे वो ब्रॉ बिना शर्ट क्यों घूम रहा है, कोई बताएगा मुझे? तो ये था ड्रैगन रेंज हमारा, वो असरदार है और ये भी बहुत ज्यादा असरदार होने वाला है। तो ब्रॉक का ओनिक्स हो चुका है फेल्टेड और हमें मिल चुका है थोड़ा सा एक्सपीरियंस। तो नेक्स्ट पोकेमोन हो सकता है, लग ही रहा था ड्रैगन रेंज से काम खत्म हो जाएगा अगर ये मुझ पे अटैक ना कर पाए। वो नो, उसने रॉक जेम की पावर ली है। यार हमारे पास रॉक जेम नहीं है ना। तो हम दोबारा वापस आए हैं और इस बार हम ब्रॉक को हरा देंगे। पहले हम लड़े थे ऑनिक्स से, तो ऑनिक्स का जो भी लड़ाई होने वाली है वो स्किप कर रहा हूँ मैं, बस हम करेंगे फिर से ड्रैगन रेंज और ऑनिक्स का। तो गाइस थोड़ा ओखिस होके करते हुए इसके पोकेमोन फेल्टेड हो रहे हैं 21। ओके तो अब उसका लास्ट पोकेमोन की देरी है हमें, और वो कौन सा होगा मुझे नहीं पता, जियोडूड लग रहा है मुझे तो। ओके ठीक है, इससे कुछ नहीं होने वाला इतना। वी वॉन द मैच, ब्रॉक हार गया। हाँ तो अब देखते हैं टूल्स में क्या है, पोकेडेक्स और क्या है। चूज अ पोकेमोन, तो भाई इसे पोकेमोन चूज करने को तो नहीं दे रहे हैं यार ये लोग। सर्च अ लेवल बोनस हिडन एबिलिटी, तो एक बार बैच को देख लेते हैं। तो बैच हमें मिल चुका है यार, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं हम अपने पोकेमोन लीग के पहले पड़ाव को पार कर चुके हैं।
वो है बैच लेना, और मतलब सारे बैचेस नहीं है फिर क्या होगा, पर सारे बैच हम जल्दी कलेक्ट कर लेंगे यार। वो थोड़ा सा मतलब थोड़ा लेट हो रहा हूँ मैं वीडियोस बनाने में यार दोस्तों। पेपर आप समझ सकते हो यार, पेपर्स का मतलब टेंशन बहुत होती है सर में, आपको बहुत ज़्यादा। तो फर्स्ट बैच के बाद हम जा सकते हैं यार। मुझे किस तरह स्क्वाड और बल्बसोर को ढूंढना पड़ेगा, जैसे रेड के पास थे और रेड के पास था लैप्रेस और स्नोलैक्स था और पिकाचू। अब इन सबसे मुझे फाइट करनी पड़ेगी तभी मैं आपके पास आराम से बात कर सकता हूँ। चलो दोस्तों आराम से आगे बढ़ते हैं, कोई टेंशन थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। और या यार पर मैं इन चीज़ों को कुछ नहीं कर सकता हूँ, ये बीच में आते ही ये हम आराम से जा रहे हैं। यार टकराई जा रहा हूँ मैं भी, मैंने सबसे लड़ाई कर ली है। जिगली पफ नहीं चाहिए यार, मुझे चाहिए स्क्वाडल, बल्बसोर और पिकाचू, लैप्रेस। अरे ये क्या है, ये तो टीम रॉकेट का बलून है, मतलब टीम रॉकेट आ गए, स्टॉप हेयर बोल दिया उन्होंने। आओ हमारे पोकेमोन चुराने की कोशिश। तो ये आ गया है आरबॉक, ये किया एम्बर, अरे यार कैरलिस। मर गए, आया मैं वापस थोड़ी देर में। ये है और नहीं नहीं नहीं, अरे लग जा। बहुत बढ़िया ओपी। और ये आ गया म्याऊ, ओ म्याऊ इतना खतरनाक है। अरे यार ये क्या हो गया, मैं बिल्ली के हाथों मारा गया। माउथ हो गया है फेल्टेड, अब हमें कोई टेंशन नहीं है। बहुत मुश्किल से हुआ यार ये म्याउथ, बहुत तंग कर रहा था, ड्रैगन इंच का असर ही नहीं हो रहा था इस पर। चलो ये चले गए यहाँ से, अब हम फ्री हैं। ये क्या बेच रहा है, एक मैजिक कार्ड? नहीं 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 हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं अपना ऐसा बनना में जीम्स की तरह। तुम जैसे लो जीम्स गुल दो बना सकते हो, मैजिक मत दो। तो ये है एम्प्टी मून, अरे यार फाइट टाइम। मर गए यार, एक लेवल मेरे जितना मत करो यार, तभी मुझे लोड करनी पड़ती है गेम। वैसे भी अगला जिम वॉर टाइप है, मतलब बहुत मुश्किल होने वाली है बैटल। वाह 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 एक गिबल। वाह वाह बाहर आ गए, पर इस टीम रॉकेट के बच्चे ने नहीं छोड़ना है, नहीं छोड़ा। ओह बहुत डैमेज दिया यार इसने, अब ये भी डैमेज देने आएगा।
छोड़ दो भाई, छोड़ दो। ये है ना घास में जो पोकेमोन आता है बहुत गुस्सा जलाते हैं। चलो यार आराम से चलते हैं यहाँ से। ये आराम से, वाह वाह यार क्या पोकेमोन आ रहे हैं। पर नहीं, मैंने सोचा हुआ है कि जो ऐश के पास, मतलब जो रेड के पास थे, मैं भी वही लूँगा सर। और रेड के पास ही नहीं था। कौन से लूँ? तो हम फाइनली बाहर आ गए हैं। और ये क्या है? मर गया। ये है एक वी मूव। ये नॉर्मल वी मूव, ये फायर टाइप वी मूव में ये दे सकता हूँ 4 मिलियन को। मुझे नहीं पता कि वी मूव भी होंगे यहाँ पे। बिना ब्रेसलेट के वी मूव में नहीं इस्तेमाल कर सकते। ये अंकल कौन सा है? एक मास्टर बॉल। तो इसके अंदर कुछ तो है धमाल। तो हम एक अननोन जगह पे आए हैं। अरे वाह, एक लेजेंडरी पोकेमोन। तो हम बाहर आ चुके हैं। अरे वाह ट्रेसी। अरे मैं तो मजाक कर रहा था सर जी, आप तो पीछे ही पड़ गए। हाँ ठीक है, पहले एचपी फुल करेंगे फिर लड़ाई के बारे में सोचेंगे। तो इसी के साथ हम बाहर आ गए हैं। आप ट्रेसी से बात करते हैं। तुमने बैटल के लिए बुलाया और हम आ गए। क्या ये जी मूव है? वाओ, इतना खतरनाक अटैक का कुछ नहीं मिला। मुझे फाइट नहीं करनी अभी ट्रेसी से। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए आपको आज का ये पार्ट कैसा लगा। सब मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिए। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइए और अभी मुझे फॉलो कीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।